अक्सर क्या होता है कि बच्चे थके हारे घर पे आते हैं स्कूल से कॉलेज से, तो उन्हें रोटी सब्जी नहीं खानी रहती है और हमें खिलानी रहती है रोटी सब्जी। तो आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब बच्चे हफ्ते में एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, पूरे सातों दिन ही खाना पसंद करेंगे, इतने ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ये रेसिपी। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप आटा। तो इस कप के मेज़रमेंट से यहाँ पर मैंने 2 कप आटा ले लिया है। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून घी या तेल, आपको जो पसंद हो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हम हेल्दी बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे 2 टीस्पून ही घी दे रहे हैं। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पानी का मेज़रमेंट भी आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर पहले हम 1 कप पानी को थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से डालेंगे और इसका आटा गूंथ लेंगे। तो आटा गूंथते टाइम हमेशा ध्यान रखें कि आटे में एक साथ में आपको पानी नहीं ऐड करना है, आप थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इस तरीके से जिस तरीके से मैं अपने हथेलियों को प्रेस करते हुए आटे को गूंथ रही हूँ ठीक इसी तरीके से आप आटा गूंथिएगा। एक साथ में आटे में पानी मत डालिएगा, धीरे धीरे अगर आप आटा पानी डालते हुए इस तरीके से आटा गूंथेंगे तो आपका आटा जो बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। तो ये देखिए हमें हथेलियों के इस तरीके से प्रेस देते हुए आटा गूंथ लेना है। लगभग 2 टेबल स्पून जितना पानी एक्स्ट्रा और लग गया था 1 कप से ऊपर, तो उतने में ये आटा अच्छे से गूंथ के रेडी हो गया था। अब जितनी ज़्यादा इस तरीके से मत्ते हुए आटा गूंथेंगे उतना ही ज़्यादा आटा अच्छा गूंथा जाएगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। कभी भी आटा गूंथते टाइम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से सारे आटे को हम इकट्ठा कर लेंगे और धीरे धीरे हथेलियों से इस तरीके से गूंथते रहेंगे। ज़रूरत पड़ी तो एक एक दो दो बूंद पानी और इसमें ऐड करते जाएंगे और इस तरीके से इसे गूंथ लेंगे। तो ये आटा गूंथ के बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से घी डाल देंगे ताकि इसके ऊपर जो परत आती है ड्राइनेस की वो ना आए। तो ये आटा जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे साइड में ढक के रख देते हैं, लगभग आधा घंटा इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दें ताकि जो रोटियाँ हैं बहुत अच्छी बने। अब हम इसकी बनाएंगे स्टफिंग। तो इस स्टफिंग के लिए यहाँ पे हमें ले लेना है 2 टेबल स्पून जितना घी या तेल, आपको जो पसंद हो वो ले सकते हो। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। जब जीरे में क्रैकल्स आने चालू हो जाएं तब हम इसमें डाल देंगे लंबे कटे प्याज। पहले यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्याज। प्याज हल्का सा जब भुन जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का ये पेस्ट है जिसे मैंने कूट के तैयार कर लिया था। साथ ही में अब हम इसके डाल देंगे शिमला मिर्च और पत्ता गोभी भी। तो ये देखिए लहसुन को हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए ही हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे नहीं तो वो जल जाएगा। तो इसी स्टेज पे हम इसमें डाल रहे हैं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी 1 मिनट के लिए इस तरीके से धीरे धीरे हिला लें लो फ्लेम पर। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, नमक, ये स्पेशल मसाला है पाव भाजी मसाला, इससे इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा इन्हेंस होके आता है। तो इसे आप स्किप मत कीजिएगा, इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा तो आपकी जो फ्रेंकी है बहुत अच्छी बनेगी। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप पहले भी डाल सकती हो, आपकी चॉइस है। ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाना है, हल्का सा कच्चा ही रखना है ताकि इसके जो क्रंचीनेस है हमारे मुँह में आए, तो जो फ्रेंकी है बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे 7 से 8 आलू को मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था, अब इसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही में ऊपर से डाल देंगे लगभग 2 टेबल स्पून जितना बारीक कटा धनिया। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये जो हमारा मसाला है बनके बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, जिस बॉल में मैंने बॉइल्ड किया हुआ आलू रखा था उसी में इस मसाले को निकाल लेती हूँ। इस तरीके से हम सारे मसालों को दूसरे डिश में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब ये जो आटा है ये भी अच्छा सॉफ्ट हो चुका है।
अब हम क्या करेंगे, एक फलके की जितनी लोई लेंगे और उसमें थोड़ा सा इस तरीके से ड्राई आटा लगा देंगे और इस तरीके से फलके के जैसे बड़ा बेल लेंगे। जैसे हम चपाती बेलते हैं ठीक उतना ही पतला हमें बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और थिक भी नहीं रखना है, थोड़ा पतला पतला ही रहना चाहिए। अब हम इसे दोनों साइड से इस तरीके से कच्चा कच्चा सेक लेंगे। जब एक साइड से थोड़ा सा ये सिक जाए तो हम इसे इस तरीके से फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड भी इस तरीके से इसे सेक लेंगे। इसी तरीके से हम सारी रोटियां बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी रोटियों को बना के रेडी कर लिया है। अब जब भी आपको बनाना रहे तब आप क्या कर सकते हो कि एक रोटी लीजिए इस तरीके से और इसमें यहाँ पर सेजवान चटनी है, यहाँ पर आप सेजवान सॉस भी ले सकते हो, लेकिन सेजवान चटनी जो मार्केट में मिलती है जो फ्रेंकी वाले बनाते हैं उनसे भी आप ला के ये यूज़ में ले सकते हो। ये वही वाली चटनी है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है इससे, तो आप ये चटनी यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। साथ ही में हमने ये जो मसाला बनाया था उसे भी हम डाल देंगे, लगभग 2 टेबल स्पून जितना। तो उस मसाले को एकदम सेंटर में नहीं डालना है, थोड़ा सा साइड करके डालना है ताकि रोल करने में हमें बहुत आसानी रहे। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से कच्ची पत्ता गोभी, अगर आपके पास गाजर हो तो उसे भी ऐड कर दें, बीट रूट हो तो उसे भी ऐड कर सकते हैं लंबा काट के। तो फिलहाल मेरे पास नहीं था इसलिए मैं प्याज और पत्ता गोभी दे रही हूँ। तो अगर आप बीट और गाजर भी डालेंगे तो भी इससे अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें ग्रेट कर देंगे चीज़। तो यहाँ पर बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर रही हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमें रोल किस तरीके से करना है वो रोल करने का मेथड आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से धीरे धीरे एकदम हल्के हाथों से मसालों को दबाते हुए हमें इसे इस तरीके से रोल कर लेना है। और ये जो चटनी है उसकी वजह से ये जो रोटी है अच्छे से पैक भी हो जाती है, खुलती भी नहीं है। अब इसी तरीके से हम सारे फ्रेंकीज को रेडी कर लेंगे। ये देखिए, अब तवे को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और उसको थोड़ा सा ठंडा करके उसके ऊपर हम इस तरीके से घी, बटर या तेल आपको जो पसंद हो वो ऐड कीजिए। और फ्रेंकी को एकदम हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से सेक लेना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये रोल जो है ख़राब हो जाएंगे, मज़े नहीं आएंगे खाने में। तो एकदम हल्के हाथों से इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से पराठा सेकने वाला रख दें और इस तरीके से चिमटे से पकड़ के धीरे धीरे इसे चारों तरफ से हल्का हल्का सेक लें। आपको जैसे ज़रूरत लगे घी तेल की वैसे आप थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कीजिएगा और इसे अच्छे से सेक लीजिएगा, अच्छा क्रिस्पी सेकिएगा ताकि खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगे। तो ये देखिए, चारों तरफ से हमें अच्छे से इस तरीके से सेक लेना है, कहीं से भी हमें कच्चा नहीं रखना है। ये जितना अच्छे से सेकिएगा खाने में उतने ही ज़्यादा मज़ा आएगा फ्रेंकी। तो ये देखिए, ये हमारी फ्रेंकी बन के बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको एक और पैक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, पैक करने का मेथड बहुत सिंपल है। चटनी को पहले अच्छे से चारों तरफ हमें इस तरीके से फैला लेना है। ये देखिए, किनारों को खाली ना रखें। उसके बाद ये जो मसाला है उसे हमें एकदम सेंटर में नहीं रखना है, थोड़ा सा साइड करके डालना है। उसके बाद आपको डालनी है कच्ची सब्जियां। यहाँ पे लंबी लंबी पत्ता गोभी और प्याज को मैंने डाल दिया है। अब ऊपर से हम डाल देंगे चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। अब रोल करते टाइम ये मसालों को इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते जाना है और इसे अच्छे से रोल कर लेना है। और ये देखिए, ये फ्रेंकी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे इस फ्रेंकी को भी मैं सेक लेती हूँ। इसी तरीके से मैंने सारे फ्रेंकी को बना लिया था, तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी थी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार बनाया तो बच्चे रोज़ रोज़ इसे बनाने का डिमांड करेंगे। मेरे कहने पे एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी बनी आपकी फ्रेंकीज ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बनी है हमारी फ्रेंकीज। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी आज की रेसिपी ज़रा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।